आज हम लोग यूनिट 1 के आगे का पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल क्या है, कंसिस्ट ऑफ क्या है, सेट ऑफ रूल है जो कि क्या गवर्न करता है, डाटा कम्युनिकेशन को। प्रोटोकॉल क्या डिटरमाइन करता है, व्हाट इज कम्युनिकेटेड एंड हाउ इज कम्युनिकेटेड और व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड, क्या चीज कम्युनिकेटेड होगा, कैसे कम्युनिकेट होगा और कब कम्युनिकेट होगा। ये क्या प्रोटोकॉल क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है। की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल, की एलिमेंट्स क्या है प्रोटोकॉल के, सिंटैक्स, सेमेटिक्स और क्या है टाइमिंग। सिंटेक्स क्या बताता है, स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा, वो स्ट्रक्चर बताता है, फॉर्मेट बताता है डाटा का वो, और वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि बिट्स को हम कैसे रीड करें, इंडिकेट्स हाउ टू रीड बिट्स। सिनेमैटिक्स क्या बताता है, इंटरप्रिटेट द मीनिंग ऑफ बिट्स, वो बिट्स की क्या बताती है, क्या बताता है, मीनिंग को बताता है। और क्या बताता है, नोज विच फील्ड डिफाइंड व्हाट एक्शन, कौन सा फील्ड क्या एक्शन डिफाइन कर रहा है वो बताएगा। टाइमिंग, व्हेन डाटा शुड बी शेयर्ड और व्हाट डाटा शुड बी सेंड, कौन सा क्या कब डाटा सेंड किया जाएगा और कौन सा डाटा सेंड करेगा। और स्पीड कि किस इतनी स्पीड में, क्या स्पीड में वो डाटा को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल में, तो सबसे पहले क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP इज पॉपुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग ओवर अ नेटवर्क। TCP क्या है, पॉपुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि यूज करते हैं कम्युनिकेटिंग करने के लिए किसके, नेटवर्क के जरिए, किसके जरिए, नेटवर्क के जरिए। क्या करता है, मैसेज को डिवाइड कर देता है सीरीज ऑफ पैकेट्स में, फिर वो क्या होता है, सेंड होता है सोर्स से डेस्टिनेशन में। वो पैकेट्स क्या होते हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन में सेंड होते हैं, फिर डेस्टिनेशन में वो लोग क्या हो जाते हैं, रीअसेंबल्ड हो जाते हैं, वो पैकेट्स क्या हो जाते हैं, रीअसेंबल्ड हो जाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, IP इज डिजाइन एक्सप्लिसिटली एज एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। IP को कैसे डिजाइन एड्रेस करते हैं, एड्रेसिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। इट इज मोस्टली यूज्ड विथ TCP, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा मोस्टली कहाँ यूज, किसके साथ यूज होता है, TCP के साथ, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के साथ। जो IP एड्रेस रहता है पैकेट में वो क्या करता है, हेल्प करता है रूटिंग देम डिफरेंट नॉट्स टू लोगों के, वो पैकेट लोग को क्या करता है, हेल्प करता है IP एड्रेस दूसरे दूसरे नॉट से क्या करने के लिए, जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। फिर वो क्या करता है, वो रीच कर जाता है डेस्टिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट नॉट से जाके वो क्या करता है, रीच कर जाता है डेस्टिनेशन सिस्टम को। TCP/IP क्या है, मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP, ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो क्या है, किसका है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का सब्स्टिट्यूशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये किस लिए डिजाइन किया है, रिसीविंग इनकमिंग ईमेल्स के लिए, किसके लिए, इनकम रिसीविंग ईमेल्स इनकम के लिए, इनकमिंग ईमेल्स के लिए। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMT क्या हुआ है, डिजाइन हुआ सेंड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव आउटगोइंग ईमेल्स को, आउटगोइंग ईमेल्स को क्या करने के लिए, सेंड करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिजाइन हुआ। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर क्या करता है, प्रोटोकॉल क्या करता है, यूजर को ट्रांसफर करता है, यूजर्स अलाउ यूजर टू ट्रांसफर, यूजर को अलाउ करता है कि वो ट्रांसफर करे फाइल एक मशीन से दूसरे मशीन में। और ये क्या, किस टाइप के फाइल्स को होते हैं, मे बी प्रोग्राम फाइल्स हो सकते हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स हो सकते हैं, टेक्स्ट फाइल्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में,
ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज डिजाइन फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट अमॉन्ग टू और मोर सिस्टम। ये क्या ट्रांसफर करता है? हाइपर टेक्स्ट को क्या करता है? ट्रांसफर करता है दो से ज्यादा सिस्टम में। HTML टैग क्या होता है? यूज होता है लिंक क्रिएट करने के लिए। जो ये लिंक रहते हैं वो किसी किस फॉर्म में हो सकते हैं? या तो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं और इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। HTTP इज डिजाइन ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल। HTTP प्रोटोकॉल जो है ये क्या किस कैसे डिजाइन हुआ है? क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल के बेस पे डिजाइन हुआ है, जो कि क्या करता है? अलाउज अ क्लाइंट सिस्टम फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विथ सर्वर मशीन फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट एंड इनिशिएट बाय द क्लाइंट एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो क्या करता है? सिक्योर रखता है कम्युनिकेशन को, जो कि जो दो सिस्टम के बीच हुई हो। ये क्या यूज करता है? ब्राउजर। ये क्या करता है? वन एक सिस्टम क्या करेगा? ब्राउजर यूज करेगा, तो अदर क्या करेगा? डाटा को क्या करेगा? फैच करेगा। क्या करेगा? डाटा को फैच करेगा कहाँ से? वेब सर्वर से। HTTP इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन क्लाइंट ब्राउजर एंड दी सर्वर वेब सर्वर इन दी हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट, सेम एज इन केस ऑफ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? HTTP क्या करता है? डाटा को ट्रांसफर करता है किसके किसके बीच? क्लाइंट सर्वर के, क्लाइंट के और सर्वर के बीच। किसके फॉर्मेट में? हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट में। बट HTTP में क्या एक्सेप्शन है कि वो क्या करता है? डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड करता है। किसमें ट्रांसफर करता है? इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफर करता है। टेनलेट। टेनलेट क्या है? टेनलेट इज अ सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल है जो कि क्या किस लिए डिजाइन किया गया है टेनलेट को? कि वो क्या करता है? कनेक्ट करता है वन सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ। जो कनेक्टिंग प्रोसेस रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमोट लॉगिन बोलते हैं। द सिस्टम विच रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन। जो सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा कनेक्शन के लिए उसको हम लोग लोकल कंप्यूटर बोलेंगे। जो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा कनेक्शन को उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिमोट कंप्यूटर बोलेंगे। गॉफर। गॉफर इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स इम्प्लीमेंटेड फॉर सर्चिंग रिट्राइविंग एज वेल एज डिस्प्लेइंग डाटा फ्रॉम आइसोलेटेड साइट्स। गॉफर ऑल्सो वर्क ऑन अ क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल। गॉफर क्या है? वो भी क्या करता है? क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल में पे बेस्ड है, वर्क करता है। और गॉफर क्या करता है? क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल है जो कि क्या करता है? सर्चिंग हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट को सर्च करना, रिट्राइव करना, डिस्प्ले करना, ये सब करता है कहाँ से? इज आइसोलेटेड साइट से। कहाँ से? आइसोलेटेड साइट से। अब आते हैं स्टैंडर्ड के ऊपर। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड अ नेटवर्किंग स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन गाइडलाइन और कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई टू नेटवर्क कंपोनेंट टू इंश्योर इन अप्रोप्रिएबिलिटी एंड कंसिस्टेंस बिटवीन दैम। नेटवर्क सिस्टम नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या करता है? गाइडलाइन देता है कि हमारा नेटवर्क किस तरह बने। जैसे हम लोग नेटवर्क बनाते हैं तो हम लोग का क्या क्या लगता है? कंप्यूटर वगैरह, फिर डिवाइसेस वगैरह। तो उस चीज को क्या करता है? गाइडलाइन करता है कि किस हिसाब से। वो प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू द मैन्युफैक्चरर वेंडर और गवर्नमेंट एजेंसी एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड टू इंश्योर द काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी नेसेसरी इन टूडेज मार्केट प्लेस एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। स्टैंडर्ड क्या करता है? एग्रीड अपॉन रूल्स। वो क्या करते हैं? एग्रीड करते हैं जो भी रूल्स है। अब कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी दो कैटेगरी होती है। एक तो होती है डिफैक्टो और डिजूरी। डिफैक्टो क्या होता है? बाय कन्वेंशन और बाय फैक्ट होता है। डिजूरी क्या होता है? बाय लॉ और या फिर बाय गवर्नमेंट। अब आते हैं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डाटा कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन।
ये क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है? इट क्रिएट सेट ऑफ रूल एंड स्टैंडर्ड फॉर ग्राफिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज एंड डाटा कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये क्या करता है? एक सेट ऑफ रूल क्रिएट करता है किसके लिए? ग्राफिक्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हो गया, डाटा कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ के लिए ये क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन काम आता है। अब आता है कंसल्टेटिव कमिटी फॉर इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीग्राफी, CCITT इज नाउ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। CCITT क्या है? अब क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। किसके लिए? फॉर द यूनाइटेड स्टेट के लिए। किसके लिए? यूनाइटेड स्टेट के लिए। CCITT डेवलपर रिकमेंडेड सेट ऑफ रूल एंड स्टैंडर्ड फॉर टेलीफोन एंड टेलीग्राफी कम्युनिकेशन। ये जो CCITT डेवलपर्स है ना, वो लोग क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं सेट ऑफ रूल और स्टैंडर्ड किसके लिए? टेलीफोन और टेलीग्राफी कम्युनिकेशन के लिए। जो टेलीफोन और टेलीग्राफी कम्युनिकेशन होती है उसके लिए क्या करते हैं? ये लोग सेट ऑफ रूल क्रिएट करते हैं। ये इट हैज डेवलप 3 सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये क्या है? किया गया है इसमें 3 सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन डेवलप किए हैं। बी सीरीज फॉर मॉडर्न इंटरफेसिंग, एक्स सीरीज फॉर डाटा कम्युनिकेशन, क्यू सीरीज फॉर इंटरग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब आते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ANSI। ANSI इज प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए? फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ? डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए यूज करता है। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट में। एंड प्रोवाइड वेरियस सेट ऑफ रूल एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डाटा कम्युनिकेशन। और क्या करता है? वेरियस सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है किसके लिए? डाटा कम्युनिकेशन के लिए। अब आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, IEEE। इट इज US बेस्ड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसके किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया। ये क्या करता है? सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग फील्ड में। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, EIA। दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड एंड रिकमेंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। EIA हैज डेवलप्ड रिकमेंडेड स्टैंडर्ड सीरीज। EIA क्या किया है? डेवलप किया है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड सीरीज किया को क्या क्या डेवलप किया है किसके लिए? डाटा और टेलीकम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए? डाटा और टेलीकम्युनिकेशन के लिए। स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ कैनेडा, CSCC। इट इज एन ऑफिशियल स्टैंडर्ड एजेंसी फॉर कैनेडा। ये क्या ऑफिशियल स्टैंडर्ड एजेंसी है किसके लिए? कैनेडा के लिए। इट हैज सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ANSI हैज। ये इसकी क्या क्या सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या करता है ये? डेवलप करता है क्या? टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। और क्या है इसके रूल्स किसके लिए है? रूल्स है डाटा कम्युनिकेशन के लिए, इसके लिए रूल्स है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइन कॉन्फ़िगरेशन और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ये सब पढ़ेंगे, टोपोलॉजीज वगैरह पढ़ेंगे।